प्यारे दोस्तों, आपका अपना वंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए लाया शानदार लीडरशिप के ऊपर कुछ टिप्स। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। आपने देखा होगा जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा, रोनाल्डो जब भी अपनी टीम के लिए खेलते हैं तो एक शानदार तरीके से खेलते हैं। आपको भी ज़िंदगी में इसी तरह से खेलना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी होगी। अगर आप किसी भी तरह से माने तो आप जब तक दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, दूसरों को अपना मानकर नहीं चलेंगे, आप नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, आज वो लीडर ही क्या जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, हमें तो सबके लिए सोचना है। और जब सबके लिए सोचना है तो सबको प्यार से अपने साथ रखना है, क्योंकि जितना आप प्यार हर इंसान को करेंगे वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करके देने वाला है। तो आप ये मान लीजिए किसी भी हालत में आपको इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जितने आप सेल्फ डिसिप्लिन बनेंगे उतना ही आप दुनिया को अपने साथ बांध सकते हैं। आपने कहीं मीटिंग का टाइम दिया और उसके 2 घंटे बाद पहुँचे, 3 घंटे बाद पहुँचे, तो फिर तो आप में और पॉलिटिकल लीडर्स में क्या फ़र्क रहा। आजकल हर समय पर हर काम का होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ध्यान है वो अपनी विदेश यात्रा स्विट्ज़रलैंड की 1999 में जब मैंने की अपनी कंपनी की ओर से, मध्य प्रदेश की एक अच्छी कंपनी, मजबूत कंपनी की ओर से जब मैं गया, मशीन्स की ट्रेनिंग थी। दोस्तों, वहाँ पर सेकंडों में ट्रेन चलती थी। आदमी बाहर खड़ा है, उसे पता है कि ये टाइम है, तो 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं, फटाक से स्पीड। दो एक बार हमारी ट्रेन या बस छूटी, लेकिन हमें समझ में आ गया कि दे पीपल लाइक द टाइमिंग, डिसिप्लिन। आप भी वैसा करिए। जिंदगी में जिसने डिसिप्लिन को बढ़िया रख लिया वो जीत गया दोस्तों, और नहीं तो हार के आप बिल्कुल नज़दीक होते हैं। टाइम मैनेजमेंट को आप बढ़िया कर लीजिए। पोमोडोरो स्कीम एक टेक्निक है जिसमें कि आप 25-25 मिनट के इंटरवल्स पर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो 25 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट, अगर आपने वो 4 लगा लिए, इसका मतलब 100 मिनट आपने पढ़ाई कर ली। और 100-100 मिनट के अगर 4 सेट आपने लगा दिए, 400 मिनट, दोस्तों ये समझ लीजिए आप कि आपने करीब करीब 6.5-7 घंटे की पढ़ाई कर ली। उसके बाद क्या आपको कोई हराने वाला पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और जो पोमोडोरो है उसमें आपके फोकस्ड स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपकी हर हालत में जो नोटिफिकेशन है सोशल मीडिया से वो बहुत ज़रूरी है। बेटर है फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, भूल जाइए कि आप 100 मिनट इस दुनिया में हैं। मेडिटेशन भी करें तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, ज़रा बैठ के तो देखो, मेडिटेशन करके तो देखो, समय का पालन, अनुशासन, निर्भीकता आपके व्यवहार के अंदर झलकनी चाहिए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप निडर होकर चल रहे हैं। आज मैंने दोस्तों, इस COVID-19 में लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हम डिसिप्लिन रूप से इसको लड़ें। काढ़ा पिएं, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, फ्रेश हों, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, मेडिटेशन करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, डे की प्लानिंग अहेड में करिए आप सुबह सुबह सारा दिन, फिर आप एनर्जाइज महसूस करेंगे। और अगर आप मेरी तरह उम्र दराज हैं तो भूल जाइए आप हैं, आप 24 साल का मानिए भले आप 60 साल के हों, क्योंकि आप वो जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी से लाखों लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, आपकी टीम को, आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को। तो दोस्तों, आगे बढ़ें, हिम्मत करें, डर के बाद भी कुछ जीत है, और डर के या चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने डर किया, चिंता की, तो चिंता तो चिता बनने वाली है। क्यों? ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। हमें तो दोस्तों केवल और केवल ऐसे काम करने हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखे जाएं कि यस, ही हैज डन लाइक दिस। कोविड-19 के अंदर आपके इस दोस्त ने पॉडकास्टिंग सीखा,
आज 100 एपिसोड बन चुके हैं, सारे मोटिवेशन पर, हेल्थ से रिलेटेड हैं। एक बुक लिखी, लव योर लाइफ। जब तक आप अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को क्या प्यार करेंगे? और जब आप अपने शरीर को प्यार करेंगे तो इसको डस्टबिन की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप डस्टबिन की यूज करते हैं तो ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ आने वाली हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, समय रहते चेत जाओ, बी डिसिप्लिन्ड, बी ए डिसिप्लिन्ड प्लेयर, एंड ऑलवेज यू शुड बी रेयरिंग टू गो। देखिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को जब आ जाते हैं पिच पर तो सभी बॉलरों के छक्के छूट जाते हैं, और उसके टीम में भी साथ काम करने वालों को ये लगता है कि जब लीडर इतना शानदार है तो हम क्यों शानदार ना बने, क्यों बेस्ट परफॉर्मर ना बने। आप देखिए, एक ज़माना था गांगुली, तेंदुलकर, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, उनके जाने के बाद वो हमारे सितारे बन गए, पहले भी थे वो। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि जो नव युवक आए हैं उन्होंने टीम में किस ढंग से अपनी जगह को पकाया है, कि आज कोई भी बाहर से एंट्री अच्छी तरह नहीं कर सकता जब तक कि वो मौजूद हैं, क्योंकि वो हर टाइम अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हुए, फोकस ऑन द गेम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं। आप अपने जिस प्रोफेशन में हैं, अपने पैशन को अपना प्यार बना लो, अपने काम को इतनी पैशन से करो कि कोई आपको हराने की सोच ही ना सके। और दोस्तों, एक एनर्जेटिक एटमॉस्फियर आपके चारों तरफ कर दो। नेगेटिविटी वाले दोस्तों को आप बोल दो कि इस दिमाग में उनके लिए किराए की कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, अगर आपने ऐसा सोच लिया और कर लिया तो आप महान हैं और महानता की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप ये देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, किसकी में नहीं आते। सचिन तेंदुलकर का एल्बो आज भी मुझे ध्यान है कि ऑपरेशन करके वो एक साल तक करीब करीब गेम से बाहर रहे, लेकिन जब दोबारा आए तो जम से खेले, जम के खेले, जम के बरसे अपने विरोधी प्रतिद्वंदियों पर। आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। आपको लड़ाई नहीं करनी दोस्तों, लेकिन आपने अपने प्यार से इस ढंग से अपनी गेम को सजा देना है कि लोग कहें कि यस, वाह, क्या बात है। दोस्तों, ये डीप फोकस बहुत ज़रूरी है। आप हर टाइम अगर एनर्जाइज हैं तो आप सबको करते हैं, अगर आप रोते रहते हैं तो सबको रुलाएंगे, क्या करेंगे, फ़ायदा क्या करेंगे, किसका करेंगे, ना देश का, ना समाज का, ना अपने परिवार का। दोस्तों, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो कई बार थोड़ा सा गलत रास्ते पर, गंदी आदतों में घुस जाते हैं, चाहे वो बैड एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी तरह की हो, ना करें, अपने काम को तवज्जो दें। इलॉन मस्क से मैं बहुत प्रभावित हूँ, 18-18 घंटे काम करता है, और दोस्तों ये वो आदमी है जिसने किताबें पढ़ के पता नहीं क्या 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 कर दिया। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? मैं एक वेबिनार कर रहा था, मुझे पता चला एक आदमी ने एक साल में 2 या 3 किताबें पढ़ी, 5 किताबें पढ़ी। दोस्तों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2.5 साल में करीब करीब 40 किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ अच्छा लगा। दोस्तों, अपनी कंपनी से, अपने व्यवहार से, अपनी संगत से लोगों को सुधार लो, अपने दोस्तों को अच्छी तरह से पहचान लो कौन आपके साथ है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक छोटी सी भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको हरा सके। आप जीत के लिए पैदा हुए हैं, जीत कर ही रहेंगे और जीतते ही रहेंगे। सिर्फ सोच, सेल्फ बिलीफ अपना करना ज़रूरी है, और मेडिटेशन उसके लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। डू मेडिटेशन एट फिक्स इंटरवल। दोस्तों, ब्लॉगर भी बना आपका ये दोस्त, यूट्यूबर भी बना, बुक भी लिखी, योगा भी सीखा, किताबें भी पढ़ी, टेक्सटाइल में भी वो अपने आप में चरम सीमा पर है अपनी ज़िंदगी के। अगर ये सब है तो इन सब का फ़ायदा तभी है जब आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा ला सकें, किसी को इतना प्रेरित कर सकें कि वो अपना बेस्ट देने पर उतारू हो जाए। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो जो जो मैंने टिप्स दी हैं इनको ज़रा बार बार सुनिएगा। ये सभी
सफलता की ओर जाने वाले रास्तों की कुंजी है, मतलब चाबी है, सफलता की कुंजी की चाबी है। दोस्तों कर लें इसका एडवांटेज, ले लें और जिंदगी को जन्नत बना दें, जिंदा दिली के साथ जिए अपनी जिंदगी को, कोई आपको रोक ना सके, यही आपकी महानता है। और महान बनिए, ब्रांड बनाइए अपनी, वाई यू लाइक एडिडास, वाई यू लाइक बाटा, वाई यू लाइक लॉट ऑफ अदर वेराइटीज, बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड द क्वालिटी, क्वालिटी विद सिस्टम्स। अगर आपने सिस्टम्स को अपनी जिंदगी में धार लिया तो यू आर द विनर एंड यू विल बी ए विनर ओनली। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड वायरल इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल एंड कोलीग्स। अगर आपको पसंद है तो बेल आइकॉन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहें और आप अपने आप को मजबूत करते रहें। कॉमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस टॉपिक पर, किस मोटिवेशनल टॉपिक पर आपको चर्चा चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, हम आपको देंगे दोस्तों। और मेरे वेबिनार्स भी करीब करीब संडे को होते रहते हैं, नेक्स्ट संडे भी है, हाउ टू कंट्रोल योर हेल्थ, इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जस्ट आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए। तो दोस्तों अलविदा, शब्बा खैर, टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।